हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरु सज्जाद। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने इनफॉर्मल लेटर राइटिंग डिस्कस करने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो आपको पता नहीं होगा, इसलिए बता दूं कि इस चैनल पे डेली बेसिस पे हम लोग हमारे एक्सपर्ट्स ग्रामर एंड वोकैबुलरी, लेटर राइटिंग, राइटिंग स्किल्स, आई मीन लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल, फॉर्मल मैसेजेस, स्मॉल पैराग्राफ्स, रिपोर्ट राइटिंग अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के लिए इंग्लिश बहुत 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 ईजी हो जाए। यूज़ सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया गया है जो आप लोगों को समझने में भी मुश्किल नहीं होगा। इसलिए डू सब्सक्राइब द चैनल एज सून एज पॉसिबल, ओके, एंड डू लाइक एंड कॉमेंट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के पास बढ़ते हैं। यू आर नवीन, अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली। आप नवीन हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। यू हैव शिफ्टेड टू पुणे, आपने पुणे शिफ्ट किया है। एंड हैव जॉइंड अ पब्लिक स्कूल ओवर देयर, और वहाँ पे एक पब्लिक स्कूल आपने ज्वाइन किया है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन दिल्ली अबाउट योर एक्सपीरियंस इन द स्कूल इन पुणे। तो एक लेटर लिखना है आपको अपने फ्रेंड के लिए जो दिल्ली में रहते हैं, ये एक्सपीरियंस बताते हुए कि आपको पुणे में कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आप पुणे शिफ्ट हो गए हैं दिल्ली से, और आपको बताना है कि पुणे में आपको कैसे लग रहा है। ओके, सो दिस इज़ द पैटर्न ऑफ द लेटर स्टूडेंट्स, ये पैटर्न देख लीजिए। ओके, सो फ्रॉम नवीन 52 रॉयल गार्डन पुणे, डेट यहाँ पे रहेगा, उसके बाद फिर स्पेस 2 राघव 7A एल्कोव अपार्टमेंट दिल्ली स्पेस डियर राघव। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है, आपने पैटर्न देख लिया ठीक से। ओके, डियर राघव, आई एम श्योर, ये यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। आई एम श्योर दैट यू आर मिसिंग मी, मैं श्योर हूँ कि आप मुझे मिस कर रहे हैं। आई एम मिसिंग यू टू, मैं भी आप तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। हाउ आर यू एंड ऑल माई फ्रेंड्स ऑफ DPS, तुम कैसे हो और DPS के सारे फ्रेंड कैसे हैं। ओके, दिस इज़ द बॉडी ऑफ द लेटर। हियर इन पुणे आई एम गोइंग टू द ABC पब्लिक स्कूल, यहाँ पे पुणे में मैं ABC पब्लिक स्कूल जा रहा हूँ। आई थॉट दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू एडजस्ट, बट आई फाउंड द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू बी वेरी फ्रेंडली। मैंने सोचा था कि यहाँ न्यू जगह पे एडजस्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं। द मोस्ट वंडरफुल थिंग इज़ डैट वी डोंट हैव टू कैरी लोड्स एट अवर बैक एज द ई बुक्स आर इन यूज़। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमें बैग का बोझ नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ई बुक्स यूज़ होता है। द लाइब्रेरी इज़ फुल ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, लाइब्रेरी में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बुक्स है। द लेबॉरेटरी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, लैब लेबॉरेटरी भी बहुत अच्छा है। टीचर्स गिव इंस्ट्रक्शंस यूजिंग माइक्रोफोन, टीचर्स इंस्ट्रक्शंस देती हैं माइक्रोफोन यूज़ करके। दे डोंट हैव टू शाउट एट द टॉप ऑफ द वॉइस टू मेक देम सेल्स ऑडिबल इवन टू द बैक बेंचर्स, उन्हें बहुत जोर से चिल्लाना नहीं पड़ता है ताकि वो लोग बैक बेंचर्स तक भी उनकी आवाज़ जाए। There is a big playground with basketball. एक बड़ा playground है basketball के साथ, tennis court है and rides. ठीक है, तो ये था आपका students body of the letter. फिर से एक बार दिखा दूँ, ठीक है, ये from नवीन जो लिख रहे हैं 52 रॉयल गार्डन पुणे, नवीन का एड्रेस है जो वो, ओके, डेट 31st August 2022। फिर यहाँ पे, और वो किसे लिख रहा है, दिल्ली में राघव को लिख रहा है, तो राघव का एड्रेस। फिर ये स्टार्ट हुआ, दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर एंड दिस इज द कंक्लूजन एंड। ओके, आई वॉन्ट यू टू कम टू पुणे वंस, आई विल टेक यू टू माई स्कूल, गिव माई रिकार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, राइट टू मी। आई वॉन्ट यू टू कम टू पुणे वंस, मैं चाहता हूँ कि तुम पुणे एक बार आओ। आई विल टेक यू टू माई स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊँगा। गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, अंकल एंड आंटी को मेरा रिगार्ड्स देना। राइट टू मी, मुझे लिखना। योर्स लविंगली नवीन, आप तुम्हारा प्यारा नवीन। ओके, तो इस टाइप से आपको लेटर लिखना है। बहुत बहुत सिंपल वर्ड्स मैंने यूज़ किया है, तो इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। बाय बाय एंड डू वेट फॉर द नेक्स्ट